हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आरके कोचिंग क्लासेस बाय राहुल सर में। आज हम लोग मैथ का एक इंटरेस्टिंग टॉपिक नाव और धारा, जो कि हमेशा रेलवे के विभिन्न एग्जाम में पूछ लिया जाता है या फिर अदर एग्जामिनेशन में भी पूछा जाता है या क्लास वाइज भी क्वेश्चन अगर हो तो हम लोग कितने आसानी से इस टॉपिक को सॉल्व करेंगे। आज वही ट्रिक के साथ मैं इसको डिस्कस करूंगा आप लोगों के बीच और आप लोग इसको देख करके अपना लाभ उठाइएगा और कंपटीशन के एग्जाम में या फिर अपने क्लास के एग्जाम में सबसे फर्स्ट में आंसर दीजिएगा। ओके, तो हमारा आज का टॉपिक है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। ओके, तो इसमें करना कुछ नहीं है, पहले आपको ये जरूर जानना चाहिए कि चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, जिसको इंग्लिश में बोलते हो आप लोग स्पीड। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके, इसका स्टैंडर्ड यूनिट जो हो जाएगा स्पीड का, डिस्टेंस को आप मीटर में मेजर करते हो और टाइम को सेकेंड में, तो मीटर पर सेकेंड इसका स्टैंडर्ड यूनिट हुआ, यानी इंटरनेशनल जो यूनिट होगा स्पीड का वो क्या होगा, मीटर प्रति सेकेंड। इसको किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में हमें जाना है तो हम कितना से गुना कर देते हैं, तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये बदल जाता है किलोमीटर प्रति आवर में। अगर किलोमीटर प्रति आवर में दिया है, किलोमीटर प्रति घंटा में, हमें मीटर पर सेकंड में जाना है तो जितना दिया होगा उसको 5/18 से गुना कर दिया जाता है तो बदल जाता है मीटर प्रति सेकंड में। अब रहा बात कि आखिर इतना से गुना क्यों किया जाता है, यहाँ पे स्पीड और डिस्टेंस का भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, उसके बाद हम लोग आते हैं नाव और धारा पे। तो इसमें इसलिए ये किया जाता है, अगर आप मान लीजिए ये डायरेक्ट लिख दिया, आया कहाँ से ये समझना है, तो समझिए ये आया कैसे ये चीज। अब जैसे 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर इन 1 किलोमीटर एंड 3600 सेकेंड इन 1 आवर, मीटर पर सेकेंड क्रॉस 20 to 20, 10 and 36, हियर एचसीएफ ऑफ द गिवन नंबर इज 2, तो 10 इज डिवाइडेड बाय 2 इज 5 इन 5 टाइम्स एंड 36 इज डिवाइडेड बाय 2 इन 18 टाइम्स। सो सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द 1000 बाय 3600, यानी 3600 इज इक्वल टू 5/18 एंड हियर यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ स्पीड इज इक्वल टू मीटर पर सेकेंड, चेंज इन टू किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाई 18/5। सो वाई इज द मल्टीप्लाई 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 टू चेंज इन टू किलोमीटर मीटर पर सेकेंड, बिकॉज the smallest form, a standard form of 1 kilometer per hour is 5/18. So here discuss to boat and stream, some different type of question. यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे other type के question को और कैसे solve हम लोग करेंगे। तो देखिए इसमें दो चीज याद रखिए, पहले ये समझ लीजिए विपरीत चाल और समान दिशा में चाल। सपोज कीजिए कि इधर से धारा प्रवाहित हो रही है, मतलब इधर से धारा बह रही है और इधर से आप तैर रहे हो, चाहे इधर से आपका जहाज इधर से जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो इसको बोलते हैं विपरीत। तो ये जो धारा का चाल है इस चाल को तो कम ना करेगा, यानी जैसे ये इधर से जा रहा है और इस पर इधर से एक फोर्स मतलब धारा का प्रवाह है तो इसका चाल में तो कमी ही होगा ना, तो ये हुआ विपरीत यानी डाउनस्ट्रीम। विपरीत यानी यहाँ पे आ रहा है और यहाँ से धारा की दिशा में ही अपने जहाज को ले जाओगे तो ये समान दिशा हुआ, यानी धारा के प्रवाह के विपरीत और धारा के प्रवाह के साथ, तो ये हुआ हमारा। अब देखिए यहाँ पे दो टॉपिक समझ लीजिए कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इसमें के क्वेश्चन जो भी आएगा ये वीबी का मतलब समझ लीजिए वेलोसिटी ऑफ बोट, यानी बोट मतलब होता है नाव, नाव का चाल, नाव का वेग कहो। देखो वेग और चाल में अंतर है, चाल सदिश अदिश है और वेग सदिश है वेलोसिटी, तो
वेग भी बोल सकते हो यहाँ, नाव का चाल, चाल ही लिखना, वेग भी बोल सकते हो, लेकिन चाल और वेग दो, फिजिक्स में इसका दो पहलू होता है, यानी दोनों डिफरेंट डिफरेंट चीज है, भले यूनिट सेम होता है। और भी एस दिया रहे तो इसको आप समझोगे धारा का चाल। ओके, तो सपोज कीजिए कि शांत जल में, यानी शांत जल बोल रहे हैं, किसी भी मतलब शांत जल में, अगर शांत जल में किसी का चाल होगा तो ओरिजिनल चाल होगा, और धारा का चाल होगा तो ओरिजिनल चाल होगा। जैसे मैं कहूँ शांत जल में नाव का चाल 10 किलोमीटर प्रति आवर है, तो ये नाव का ओरिजिनल चाल है, यानी नाव एक्चुअल में 10 किलोमीटर प्रति आवर से ही चल रहा है। और धारा का चाल दे दूं कि 4 किलोमीटर प्रति आवर से धारा का चाल है, तो इस केस में जो नाव का चाल होगा अगर धारा के साथ होगा तो वो ये चार जुट जाएगा इसमें, यानी कितना हो जाएगा 14 किलोमीटर प्रति आवर। ओके, और इसका जो चाल हमारा हो जाएगा धारा का, यानी नाव का चाल अब विपरीत दिशा में चलेगा, तो 10 में से 4 क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी 6 किलोमीटर प्रति आवर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर विपरीत दिशा में चलता है, अगर मान लो कि नाव का चाल 1 किलोमीटर प्रति आवर और धारा का चाल y किलोमीटर प्रति आवर है, तो जब ये विपरीत दिशा में चलता है तो इन दोनों का चाल आपस में जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए, तो आपका क्या मिलेगा, नाव का चाल, यानी शांत जल में नाव का चाल मिलेगा। देखिए फिर से समझिए, अगर 1 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव चल रहा है धारा के मतलब धारा में, धारा के विपरीत, और धारा का जो चाल है y किलोमीटर प्रति घंटा है, नाव का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, तो उस केस में विपरीत दिशा में चल रहा है तो चाल को जोड़ा जाता है, चाल घटा लिया जाता है, चाल को घटाना है। और समान दिशा में चलता है तो चाल को क्या किया जाता है, चाल जोड़ा जाता है। तो देखिए यहाँ पे विपरीत दिशा में चल रहा है ना, तो विपरीत दिशा में, हाँ तो देखिए अगर विपरीत दिशा में, यानी विपरीत दिशा में नाव चलेगा तो चाल घटा के लिखना है, यानी धारा के विपरीत दिशा में चलेगा तो क्या किया जाता है, चाल घटा के लिखा जाता है, समान दिशा में चलता है तो चाल जोड़ के लिखा जाता है। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे, जब विपरीत दिशा में चलेगा तो ट्रिक कैसे लगाएंगे हम लोग, चाल कैसे निकालेंगे, आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। यानी अगर किसी, देखिए क्वेश्चन है, एक व्यक्ति धारा के दिशा में 11 किलोमीटर प्रति गति से तथा विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है, तो धारा की गति पूछा है, ठीक है, तो धारा की गति अब दोनों विपरीत दिशा में, यानी एक व्यक्ति धारा की दिशा में 11 किलोमीटर प्रति घंटा से तथा विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो धारा की गति पूछ रखा है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, चाल को घटा लेंगे, क्योंकि धारा की चाल पूछा है। देखिए नाव की चाल पूछता, एक व्यक्ति धारा की दिशा में इतना किलोमीटर कर देता, तो व्यक्ति की चाल पूछता, यानी क्या व्यक्ति जा रहा है तो धारा में कैसे चलेगा, नाव से ही, तो नाव का चाल जो पूछेगा, नाव की चाल या उस व्यक्ति की चाल, नाव पे जो बैठा है, तो ये हमारा हो जाएगा, दोनों चाल को जोड़ दिया जाता है, 11 प्लस 8 अब बटा 2, यानी यहाँ देखिए धारा के साथ, धारा की दिशा में और धारा के विपरीत दिशा में, तो धारा का कुछ ना कुछ तो चाल होगा ना, और नाव का भी तो अपना कुछ ना कुछ चाल होगा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ के माने जोड़ेंगे चाल को, दोनों चाल को, और 2 से भाग देंगे, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 19/2, यानी हम लोग कितना लिख देंगे इसको 9.5। जब 19/2 करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा देखिए यहाँ पे नाव की चाल ये है, अगर धारा की चाल पूछा है तो इस केस में धारा की
क्या करेंगे हम लोग, बड़का चाल में से छोटका चाल को घटाएंगे, यानी धारा के दिशा में जो चाल है उसमें से विपरीत दिशा वाले चाल को घटाएंगे और दो से भाग दे देंगे। 11 - 8/2 तो ये कितना आ जाएगा, 3/2, तो कितना आया, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी धारा की चाल कितनी हो जाएगी, 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की, यानी नाव की चाल कितनी हो जाएगी, तो 9.5 किलोमीटर प्रति आवर, यानी 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जरा देखिए ये कैसे प्रूफ होगा कि ये सही है या गलत। धारा की चाल कितनी है, 1.5, नाव की चाल कितनी है, 9.5। धारा नाव के दिशा में अगर जाएगा तो दोनों के चाल को जोड़ के लिखना है, तो जोड़िएगा तो 11 आएगा, और विपरीत दिशा में आएगा तो दोनों के चाल को घटा के लिखना है। तो यहाँ पे देखिए, मतलब यहाँ दोनों के चाल को घटा के लिखना है, तो विपरीत दिशा में जब आएगा तो धारा की चाल, यानी घटाइएगा 1.5 में से 9.5 में से 1.5, तो 8 ना आएगा, यानी आपका आंसर सही है। अब इसी पे एक क्वेश्चन मैं देता हूँ कि एक नाव की चाल, एक धारा के साथ एक नाव की चाल, धारा के साथ नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा तथा विपरीत दिशा में, दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो नाव की चाल ज्ञात करें, तो नाव की चाल ज्ञात करें। ओके, ये आप लोग सॉल्व करके मेरे कमेंट बॉक्स में डालोगे। बस आज के लिए इतना ही, बाय माय फ्रेंड्स।